प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं का अध्याय 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, उसकी प्रश्नावली 3.1 जो आपके गणित में पेज नंबर 45 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी रकम। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। नंबर 1, तो ये इस तरह की आकृति दी गई है, यहाँ से ये शुरू होती है, इस तरह से ये एक वक्र आकृति दी गई है। ये सभी वक्र आकृतियां दी गई हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको वक्र, साधारण वक्र आदि के बारे में बताया था, तो ये उसी तरह से आकृतियां दी गई हैं। और ये इस तरह से ये आकृति दी गई है, एक सिंगल वक्र है ये इसके अंदर डबल आकृति दी गई है, और ये एक स्टार टाइप से आकृति दी गई है। फिर ये आकृति दी गई है इस तरह से, एक ये छठा नंबर पर इस तरह से बेलनाकार टाइप में आकृति दी गई है। ये इस तरह से 3/4 वृत्त की आकृति दी गई है, और फिर ये इस तरह से आकृति दी गई है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो ये जो आकृतियां दी गई हैं बच्चों, इनका वर्गीकरण करना है हमें, जो हमें इसमें नाम दिया गया है उसमें इनको वर्गीकृत करके लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं साधारण वक्र। तो साधारण वक्र की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि ऐसा वक्र जो जिसके अंदर कोई रेखाखंड एक दूसरे को न काटे, चाहे वो बंद भी हो सकता है या खुला भी हो सकता है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं ये बिल्कुल साधारण वक्र है, इसमें कोई रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1 साधारण वक्र में आ जाएगा नंबर 1 आकृति। फिर ये दूसरी आकृति देखते हैं, इसके अंदर भी इसी तरीके से ये आकृति है, सिंगल आकृति है और कोई रेखाखंड नहीं काट रहा है, तो ये इसमें आ जाएगा नंबर 2। फिर नंबर 3 को देखते हैं, नंबर 3 में ये बाहर वाली अकेली होती तो इसको हम साधारण वक्र लिख सकते थे, लेकिन ये इसके अंदर डबल दिया गया है इसलिए ये साधारण वक्र नहीं आएगी। अब ये देखते हैं, ये जो हमारे पास स्टार के टाइप में दिया गया है, सितारे का की आकृति दी गई है बच्चों, इसमें ये रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, तो ये साधारण वक्र नहीं आएगा। तो अब देखते हैं अगली आकृति, इसमें अगर हम इसको यहाँ से शुरू करें और इस तरह से इसको बनाएं, तो ये एकदम से कागज पर बगैर पेन उठाए बन सकता है, और इसमें कोई रेखाखंड एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है, इसलिए ये इसके अंदर साधारण वक्र में आएगी। अब देखते हैं अगली आकृति, इसमें भी हम आसानी से इसको इस तरह से बना सकते हैं, और इसमें कोई रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काट रहा है, न ही डबल आकृतियां हैं, इसलिए ये नंबर 6 भी इसमें आएगी। अब ये आकृति है, इसको यहाँ से अगर स्टार्ट किया जाए और इसको यहाँ से, तो ये एक बार में ही कागज पर हम इसको बना सकते हैं और कोई रेखाखंड इसमें एक दूसरे को नहीं काट रहा है, इसलिए नंबर 7 भी आपकी साधारण वक्र आएगी। अब देखते हैं अगली आकृति, तो इसमें एक तो ऊपर यहाँ पर ये अंडाकार आकृति दी गई है, इसको यहाँ से एकदम से बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी, लेकिन फिर इसके अंदर ये रेखाखंड सीधा दे दिया है और ये तीसरी आकृति भी दी गई है, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे साधारण वक्र में 1, 2, 5, 6 और 7 नंबर की आकृतियां आएंगी। अब हम देखते हैं साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र में सिर्फ बंद नाम, बंद शब्द अलग है, बंद का अर्थ है कि बंद वक्र होना चाहिए, साधारण हो और बंद भी हो, तो यहाँ पर सभी वक्र बंद हैं, तो जो साधारण वक्र है वही सब इसके अंदर साधारण बंद वक्र में आ जाएंगे, जिस तरह से ये साधारण वक्र है और ये बंद भी है, तो एक नंबर इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये भी बंद है, अगर यहाँ पर खुले वक्र होते तो हमें छाटने की जरूरत पड़ती, लेकिन अभी यहाँ पर सभी बंद वक्र हैं, इसलिए ये सभी जो कि तो यहाँ पर आ जाएंगे, 1, 2 और फिर है 5, ये 5 नंबर वाला भी बंद वक्र है, और फिर है 6, ये 6 भी बंद है, 6 आ जाएगा, और फिर है 7, ये भी बंद वक्र है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बी में साधारण बंद वक्र का वर्गीकरण किया। अब देखते हैं हम सी में बहुभुज। तो बहुभुज बच्चों हमने पढ़ा था कि केवल रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र आकृति को, तो केवल बंद रेखाखंडों से, केवल रेखाखंडों से बनी, तो ये केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है और ये बंद भी है, तो एक तो ये हो जाएगी यहाँ पर बहुभुज,
एक, और ये यहाँ पर कोई इसमें काट भी नहीं रहा है एक दूसरे को रेखाखंड, तो इस तरह से कि ये हो जाएगी। और ये भी केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है और बंद भी है, तो इसको भी हम नंबर दो में बहुभुज लिख देंगे। तो ये अंडाकार आकृति है, ये यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि हमें रेखाखंडों से बनी आकृति चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर चार स्टार में, तो बच्चों इसमें ये रेखाखंडों से बना हुआ तो है लेकिन यहाँ पर ये रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन सरल बंद वक्र में क्या होता है कि रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इसलिए हम इसको बहुभुज में नहीं लिखेंगे। तो बहुभुज में कौन कौन सी आएंगी, सिर्फ एक और दो, बाकी ये अंडाकार आकृति है, ये बेलनाकार टाइप की है, और ये भी अर्ध 3/4 वृत्त दिया हुआ है, इसमें भी दो ऊपर नीचे अंडाकार है और बीच में सीधा रेखाखंड है, तो इस तरह से बहुभुज में एक और दो आएंगी। तो अब देखते हैं हम डी, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज में हमने परिभाषा में देखा था कि ऐसी बहुभुज जिसके हम शीर्षों को मिलाएं, क्या मिलाएं, शीर्षों को मिलाएं, आने वाले शीर्षों को इस तरह से, तो ये जो हमारी बहुभुज है उसके अंदर ही मिले, अंदर ही मिलेंगे तो उत्तल होंगे वरना ये अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम, इसके अंदर तो ये बाहर मिल गए, बहिर्भाग में मिल गए, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं होगा। और फिर हम इसमें देखते हैं, इसके अंदर जब हम इन शीर्षों को मिलाते हैं बच्चों, तो ये बहुभुज के अंदर ही मिलते हैं, और बहुभुज के अंदर ही जब शीर्ष विकर्ण दिखाई दे मिले तब कौन सी बहुभुज होती है, तब उत्तल बहुभुज होती है। तो ये नंबर दो आकृति आ जाएगी हमारी उत्तल बहुभुज में, और ये आ जाएगी हमारी अवतल बहुभुज में नंबर एक, ये आ जाएगी हमारी अवतल बहुभुज में। तो इस तरह से ये अवतल बहुभुज यहाँ पर एक नंबर में आ जाती है, और फिर ये तो अंडाकार आकृति है। हम इसके अंदर देखते हैं चौथे नंबर की आकृति में बच्चों, इसमें अगर हम बाहर ये विकर्णों को मिलाएं तो ये बहुभुज के बहिर्भाग में आते हैं। आप देख सकते हैं ये सभी विकर्ण कहाँ पर हैं, ये बहुभुज के जो ये आकृति है इसके बहिर्भाग में है, तो यहाँ पर नंबर चार आकृति भी अवतल बहुभुज में आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक में दी हुई आकृतियों को वर्गीकृत करना सीखा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चों।